गुड मॉर्निंग पीपल फ्रॉम मनाली. सो गॉट अ गुड नाइट स्लीप से अबाउट 6-6.5 hours. रात को 2 बज गए थे सोते हुए और अभी 8 बजे. बट सुबह उठने की जो जल्दी होती है ना मुझे सामने वाला व्यू देखने की, उसके कारण मैं ज़्यादा सो नहीं पाता, क्योंकि ऐसी जगह पे आके जो व्यू होता है अगर उसे मिस कर दिया तो क्या किया. पीछे वाला व्यू देखो यार, वाव. इसके लिए आते हैं ना. तो आज हमने जाना है सिस्सू. वहाँ का दिन का टेम्परेचर इज लाइक -1-2. चलो आप लोगों को दिखाते हैं वेर इज ब्लैंका पार्क्ड. जस्ट आउटसाइड द होटल, दैट इज वेयर ब्लैंका इज पार्क्ड. एंड अच्छी खासी सर्दी है बाहर. सो वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट डे टूज राइड. इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा बाहर बैठ के बॉर्नविटा का दूध पिया और मज़े लिए, थोड़े बहुत पकौड़े वगैरह खाए, और अभी फिर से एक बार ब्रेकफास्ट करना है मनाली मेन मार्केट में जाके. तो बस तैयार हो रहा हूँ. मिनिमम सामान रखा है मैंने आज अपने लैपटॉप बैग के अंदर. एवरीथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड टू टेक सम ग्रेट पिक्चर्स एंड मेक सम गुड वीडियोज़, वही मैंने रखा है. जैकेट वैकेट पहनते हैं और आगे बढ़ते हैं. एवरीथिंग इज ऑल सेट, लेट्स हेड आउट एंड स्टार्ट डे टूज राइड. बाइक को वार्म अप भी करना पड़ेगा पता है इस वेदर में. -1 में थी रात में. आ जा, वेरी गुड. घुमाओ घुमाओ घुमाओ, अब हम इसको घुमाएंगे. हैरियर चमकाई जा रही है, पूरी दुनिया देख रही है तेरी गाड़ी कि कैसी काली काली चमक रही है एकदम. अगर 12 लाचा जाएगा, और टाइम क्या हुआ? 4 बजे 5 बजे तक 12 लाचा. 12 यहीं बजा दिए हैं. 5 बजे तक 12 लाचा. हाँ हाँ, और मैं मेरी लाश वापस आएगी बाइक पे. साले -3 -4 में कहाँ चलेगी बाइक इतने हाई ऑल्टीट्यूड में. 15,000 12 लाचा की हाइट पता तेरे को? 15,000 feet है उसकी हाइट. अरे उसको बोल दो वापस आके पी लेंगे हम लोग. अल्फा टू डेल्टा, अल्फा टू डेल्टा, अल्फा टू चार्ली. चलो फिर करता हूं, चाय कैंसिल करता हूं. रास्ते में पी लेंगे ना, अभी जर्मन बेकरी जा ही रहे हैं वैसे भी. तो एक ब्रेकफास्ट तो हमने किया है होटल पे, और अब हम फिर से भूख लग रही है हम लोगों को. तो एक ब्रेकफास्ट होगा, एक अर्ली लंच होगा जर्मन बेकरी पे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे सिस्सू के लिए. खाओ पियो ऐश करो. ये तो वहीं आ गए जहाँ पे हम कल आए थे रात को डिनर वगैरह करने. चढ़ा दो, रोको मत चढ़ाई पे यार. तो चलिए शुरू करते हैं राइड टू सिस्सू. प्राइमेरली व्हाई आई हैव कम हियर ऑन दिस ट्रिप इज टू एक्सपीरियंस अटल टनल, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोज, एंड वीडियोज देख देख के सीरियसली मैं थक चुका हूँ कि भाई अटल टनल अटल टनल अटल टनल. एक बार खुद एक्सपीरियंस करने का दिल बहुत ज़्यादा हो रहा था, जो इस साइड से अटल टनल के जाके 9 किलोमीटर तक अंदर टनल में रहने के बाद एकदम से सीनरी चेंज होगी, हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, ख्याल बदल जाएंगे, ज़िंदगी पलट जाएगी. वो देखना है मुझे कैसे होता है वो सीन. अब तो पेल ही जाएगी बाइक, पेल ही. पहले क्या होता था रोहतांग जाने में ना, थोड़ा सा आलस आता था कि ये 50 किलोमीटर में बहुत गंदी गंदी रोड आएगी, फालतू की चढ़ाई आएंगी, स्लो ट्रैफिक, मूविंग ट्रैफिक जैम, ये वो टी टा. बट अब तो बस फेलो बाइक को फेलो. जेसन एंड शालनी इन दैट हैरियर. अब ये वाली हैरियर तो आपने शिंकुला राइड सीरीज में पूरी देखी ही होगी मेरे साथ, हम लोग साथ में ही गए थे उस राइड पे. अरे पीबी वाली एक्सयूवी के साथ ये भाई लगे हुए हैं ना, वो जगह दे रहा है या नहीं आगे जा रहा है. ये दोनों काली गाड़ियों ने ना क्या करा तुम लोग. यहाँ के लोगों की जो किस्मत है ना कितनी बढ़िया है, यहाँ पे कहीं भी इन्होंने गाड़ी लगाई, चादर बिछाई और लंच करना शुरू कर दिया. वो सामने देख रहे हो आप, वहाँ देखो पैराग्लाइडिंग हो रही है, 4 पैराशूट दिख रहे हैं. क्या फन है यार, ये भी एक दिन करना है. ये छोटे मोटे कर्व्स मिल जाए और इसी में हम लोग खुश हैं बाइक चलाने में. ये पूरे दिन करवाओ अच्छी रोड्स पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. पहाड़ों में ऐसी रोड्स मिले तो इट्स लाइक हेवन.
वाह वाह वाह, अभी तो बहुत देखेंगे, छोटी छोटी टनल्स भी आना शुरू हो गई हैं, अभी बड़ी वाली आएगी, मेजर मेजर टनल, मेजर। There is the Harrier and there is the Fortuner. Heavy combo, awesome combination for the mountains. आओ फिर से खींच दो। कर्व्स में ऐसे बाइक चलाने में ना, और सामने ऐसा व्यू हो, मैं क्या बोलूं यार, क्या बोलूं, देख ही लो अपने आप, दिस इज अल्ट्रा सेक्सी। दिमाग खराब हो रहा है इस समय बाइक चलाने में, एक्सपीरियंसिंग सो मच ऑफ एड्रेनलिन रश राइट नाउ, कैसा लग रहा है खत्म ही ना हो ये रोड, बस खींचते चलो, ऊपर से ये सेक्शंस और टाइगर की ग्राउल, ये देखो और यहाँ हम खड़े हैं, पता नहीं किस चीज का जैम लगा है यहाँ पे, आई होप ये अटल टनल की एंट्रेंस का जैम ना हो। और इस साइड पे सम पीपल आर डूइंग दैट काइंड ऑफ अ स्मॉल ट्रैक, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, दैट फेस ऑफ द माउंटेन हैज सम स्नो, दिस गाइस हैव स्टॉप्ड द ट्रैफिक फ्रॉम दिस साइड टू अटल टनल बिकॉज सम हैवी व्हीकल्स आर एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम सिसु साइड, सो इसलिए यू सी ऑल दिस जैम राइट नाउ, एंड बीइंग ऑन अ बाइक नो इश्यूज। अरे आप पहले जाइए, दैट्स इट, सो आई विल वेट फॉर द हैरियर एंड फॉर्च्यूनर टू कम इन। सो फाइनली वी आर एट अटल टनल एंड बिफोर शोइंग यू द एंट्रेंस यू सी ऑल द सीन्स अराउंड, स्नो कवर्ड पीक्स, ऑसम एटमॉस्फेयर हियर, एंड there is the tiger, there is Blanca, and there is the entrance to the Atal Tunnel. We'll go through it and enter Sisu now. आप लोग कब जा रहे हो वापस? क्या दिल्ली मनाली से ही? क्या और कोई जगह जा सकते हैं? मैं तो कल जा रहा हूँ, अगर चलना है तो साथ में चल लो, अकेले जा रहा हूँ, पर मैं यहाँ से जाऊँगा और वो जो ऑड टनल आती है ना, ऑड टनल से लेफ्ट लेके त्रिथन, त्रिथन वैली से जिब्बी, वहाँ जलोरी पास क्रॉस करके नारकंडा, वहाँ रुकूंगा रात को और फिर नारकंडा से अगले दिन घर। आपने नंबर दे दिए, अच्छा पहचान गया। हाँ 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 ठीक है। सो ये हो रही है हमारी एंट्री अटल टनल के अंदर, एंड दिस इज द साउथ पोर्टल, ऑल्टीट्यूड 10,040 feet एंड स्पीड लिमिट इज 40 पे। क्रूज कंट्रोल सेट करके देखता हूँ, क्रूज कंट्रोल होता है सेट के नहीं होता, फिफ्थ गियर में मिनिमम क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट होता है, एंड yes we are at 47 to be precise, and pehli baar aa raha hu is tunnel mein, 623 thi odometer pe reading, 623.2, dekhte hain kitni lambi hai tunnel, aur hum to bilkul speed ko obey karke chalayenge, koi panga hi nahi hai। So the speed limit is different at different places in the tunnel, 40 se start kiya tha, aap dekho 60 keh rahe hain speed limit, so theek range mein hai। ये लोग धीरे चला रहे हैं भाई, थोड़ी साइड दे, अबे 60 तो चला लो यार, बड़े हैवी ड्राइवर हो रहे हो। सो द वन बिग इशू दैट आई फील इज स्टिल देयर विद दिस टनल इज द वेंटिलेशन, विद सो मेनी कार्स एंड सो मेनी व्हीकल्स इनसाइड द टनल एट द सेम टाइम, देयर इज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन इनसाइड द टनल विच मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर बाइकर्स टू ब्रीथ, and people traveling in four wheels they can switch on the AC and depend on the fresh air, but for bikers it's going to be very difficult. Don't say that bikers should not come here, because this is one of the routes that all the bikers actually will be using the most, so ventilation is something that really needs to be worked upon, and we are at the end of the tunnel now, almost 9 kilometers, and here we exit the tunnel. Whoa, the other side of Rohtang for you.
The traditional route comes from all these U-turns from the top, and you land here after 2 grueling hours, 2 to 3 hours sometimes. But now, 10 minutes inside the tunnel and you're through. You have crossed Rohtang. Wow. I'm not sure why this wall is built. Is it called the glacial wall? Because that is what I read in one of the signboards a few meters back. I don't get to see this view when I normally do a Ladakh ride, by the way, because that happens sometimes in June, July, and everything is melted. All I see is a green valley, green Lahol Valley. Sisu is just 4 kilometers from here. So this is the new kind of tourist point that has come up after the tunnel has opened. Everybody wants to come to Sisu. So that is the view all around that we have been enjoying for the past 1.5 hour now. So our initial plan, as you guys know, was to spend some time in Sisu, but that place was a crowded mess. So we came along 15 kilometers ahead of Sisu in this beautiful location, snow-capped peaks all around and no tourists at all. What a wonderful place to spend some time. We took some awesome photographs. We met a group of guys who bought a Bluetooth speaker with them and they were playing some awesome songs. So we spent about 1.5 hours there just admiring this view of the valley. The river down there, I don't think it will be visible in this footage, but yeah, in the drone shots, I think you would have seen the view of this valley. Chalo, chalo, pose bata. Ye YouTube video mein hi jayega. Ye YouTube video mein hi jayega. Unfollow kar denge tere ko. Truck aage, heavy driver chala raha hai truck. Hat ja piche se, mar jayega saale. सो फोटोग्राफी सेशन इज़ डन और अब खाने का टाइम है यार, क्योंकि अब भूख लग रही है अच्छी खासी. कुछ जगह ढूंढ के मैगी के बियॉन्ड कुछ मिल जाए तो बढ़िया है. Just came. When you were entering. हमने सोचा भैया चलो एक झाक मार फोर्ट झाक लेते हैं एक बार अंदर. फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड सॉलिट्यूड जैसे तो वही लगाने वाला था सुनने के लिए कि क्या आवाज आती है. सो लंच हो गया है यहाँ पे और अब चलते हैं वापस. Going towards the Sisu helipad now. Suddenly these guys decided that they want to go towards the river. अबे कहाँ पहुँच गए? उधर कहाँ हूँ मैं? हेलीपैड पे हूँ मैं तो. हाँ हाँ दिख तो रहे हो पर आऊँ कैसे? चलो भाई ऑफ रोड भी करवाएंगे हमें. A slight ऑफ रोड. खाना खाने के बाद ऑफ रोडिंग क्यों करवाते हो यार तुम लोग? Wind cheater is out as well and let's go guys. When you get to ride like this on such magnificent roads with that stunning view, this is pure bliss, pure bliss. I want nothing more than this. So that is the entrance of the Atal Tunnel from the Lahol side, and I'm telling you this Scotliner is really saving the day for me. Let's enter the tunnel now and say bye to this beautiful day of awesome riding. Once you get to see these lights, these are only at the start and end of the tunnel. That means the tunnel is ending.
We approach the Manali side now. Oh wow, what a view. What a view. What a view. What a view. This is a dream for any biker. Such awesome roads, such awesome scenery. The sun setting at 10,000 feet and riding a bike like Blanca, the Triumph Tiger 800. It doesn't get any better than this. Woo! Ho-hoo! These roads are just... Crossing Rohtang is now a butter smooth affair. ₹6.16. I think we should be there in Manali by 6:40 maximum. 25 minutes more of this high speed corner carving riding. Gadde abhi bhi khatam nahi ho rahe. Oh teri. So we are back to the hotel. So we'll just chill for some time, relax, talk about how the day was. तो बाला ला चला, मैं बाला ला चला हाले बाला ला चला वो रहा बाला ला चला ड्रोन पता दे उधर बाला ला चला